हिलसा में पप्पू यादव को जाप कर कर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मातम पुसी करने गया जा रहे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव को हिलसा में जाप कर कर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में जनता की जिंदगी तबाह है और सरकार चुनाव की तैयारी में विजुअल और डिजिटल रैली कराने में मशहूर है। उन्होंने कहा कि देश में दुनिया भर के वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रहा है, लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में चुनाव को स्थगित कर कोरोना से लोगों की जान बचाने की जरूरत है। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रभात कुमार, मुकेश पासवान, रणधीर प्रसाद उर्फ बबलू यादव, धनंजय कुमार, इंद्रजीत चक्रवर्ती, राहुल यादव, रवीश कुमार, गुलशन कुमार, शिशुपाल कुमार, कौशल कुमार, मनीष यादव, मोहम्मद गुड्डू आला, मोहम्मद अफजल कुमार, चंदन विश्वकर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहीं पर इन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं दिया, कहीं पर इन्होंने होटल आइसोलेशन वार्ड के लिए नहीं दिया, इनके पास वेंटिलेटर नहीं है, इनके पास वार्ड नहीं है, लोग मर रहे हैं, कहीं पर जगह नहीं मिलती है, इन्होंने जांच नहीं की, उल्टे इन्होंने क्वारंटाइन बंद कर दिया जिससे लूट रहे थे, बाहर से जो लोग आ रहे थे पॉजिटिव केस उसकी जांच बंद कर दी। अब जब मौत पर आप पूरी की पूरी आम लोगों की जिंदगी तबाह आपने कोरोना वायरस ने पहले कर दिया, आप लगातार श्रमिक ट्रेन से आने वाले अन लोग आने वाले को बर्बाद आपने क्या नहीं रखा, परिस्थितियां हैं उसमें आप इस बात को समझ के चलिए कि किसी भी परिस्थिति में जो सरकार है वो सरकार पानी में भी बाट देखा, चिमकी बुखार में आपने देखा, आपने कोरोना वायरस में 5 महीने तक नीतीश बाबू सुशासन निकलने का नाम नहीं लेते, एक मुट्ठी पानी देने की हिम्मत जिसने नहीं जुटाई गरीबों को और कॉमन मैन को, जो लगातार लॉकडाउन बार बार, आप जो छोटा व्यापारी है जो रिक्शा ठेला टमटम वाला वो तो मर गया, तो व्यापारी तो मर गया, वो EMI नहीं दे सकता है, वो होल्डिंग टैक्स नहीं दे सकता है, वो बिजली बिल नहीं दे सकता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दी, आप लोगों ने काम नहीं किया, आप हमेशा सौदा करते हो, आप पहले 15 लाख रुपया पैसा ले लो और 5 लाख रुपया भी आप चाहते हो कि हम वोट खरीदें, सौदा कर ले, हालात अब एक तरफ बाढ़ 3 कंप्लीट कोलैप्स कर गया, बाढ़ लाता कौन है, बाढ़ लाने वाले कौन, सिंचाई विभाग को इन लोगों ने दुधारू गाय समझ ली और अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने लूटा, इतना लूटा जिसकी आप हिसाब नहीं कर सकते, साथ साथ घोटाले हुए, सुशासन बाबू आम लोगों के लिए वोमिटिंग हो चुके हैं, आप इतना ही समझ, सुशासन बाबू की स्थिति यह है कि हर लोग को लगता है कि 15 सालों में यूथ की जिंदगी तबाह कर दी, गरीबों की जिंदगी तबाह हो गई, व्यापारी की जिंदगी तबाह हो गई, तो इसीलिए जो हालात है उस बीच में इनको लगता है कि मैं राष्ट्रपति शासन के बाद पैदल हो जाऊंगा, आप आम आदमी को घर से कोई निकलना नहीं चाहेगा वोट देने के लिए, आप किस तरीके से चाहते हो चुनाव, क्या लगता है सर चुनाव होना चाहिए या नहीं,